तेल भी वही, आटा भी वही, सब कुछ वही बराबर, पर माँ के हाथ का खाना अब बच्चे के शरीर को लगता है, बावर्ची के हाथ का खाना नहीं, मोदी के माँ का खाना है, जो आपको नहीं आपकी पीढ़ियों के शरीर को बताता हूँ सर, मैं आपको आज बता रहा हूँ, एक बात आपको बताता हूँ, ये जितना बड़ा फोटो लग रहा है ना यहाँ पे, राइट, ये जितना बड़ा फोटो यहाँ पे लग रहा है बराबर, मैं आपको आज बात बताता हूँ, आज मैं आपसे पूछूं कि आपके पापा का नाम क्या है, आप बताएंगे जो भी है, राइट, आपके पापा के पापा का नाम क्या है वो भी आपको याद होगा, पापा के पापा के पापा का नाम क्या है 50% लोगों को याद होगा, पापा के पापा के पापा के पापा का नाम क्या है 60% लोगों को याद होगा, चौथी पांचवी और छठी पीढ़ी का नाम शायद याद नहीं होगा। मुझे बताइए सर, इससे बड़ी विडंबना और क्या हो सकती है कि हमारे आने वाली पुस्तें हमारा नाम ना जाने। बहुत अपना और धीरू भाई अंबानी का इतना बड़ा फोटो बता के पूछा जाए ना तो वो बोलेंगे कि धीरू भाई अंबानी है जिन्होंने रिलायंस की स्थापना की थी। मैं आपको बताता हूँ मोदी घर में एक ही लक्ष्य लेके चल रहा हूँ, एक दिन मेरी पीढ़ियों की पीढ़ियां ऐसे बड़े फोटो को दिखाकर बोलेंगी कि ये हमारे दादाजी जिनकी वजह से हम प्राइवेट जेट और हेलीकॉप्टर में घूम रहे हैं और इन्होंने मोदी का दादा समीर मोदी जी वो माँ है जिनके हाथ का खाना आपके और मेरे नहीं हमारी पीढ़ियों को लगेगा। और मैं बताता हूँ सर, किस बात का प्रूफ, कुछ कंपनियां चले तो चांद तक नहीं तो शाम तक बराबर है, वो आए वो गए पर हिंदुस्तान में नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का एक ही बाप है, उसका नाम है समीर मोदी जी। मीराबाई ने उठाया तो जहर का प्याला ही था पर उसकी श्रद्धा ने उसे अमृत में बदल दिया। जिस दिन आपकी श्रद्धा उस अमृत में, मैं क्या बोल रहा हूँ, आसान है करोड़ों रुपया कमाना, राइट, जिस सफलता को पाने के लिए हम निकले हैं, आप निकले हैं, उसके लिए कीमत चुका देना कैसे मिल जाएगा, आएगा ना, अभी तो बहुत आएंगे हर रोज आएंगे। कभी बैट्समैन ये नहीं बोलता कि मेरे को ना बहुत छक्का मारना है तो थोड़ी सी धीरे डालना बैट्समैन का काम है सामने वाला कैची भी दे काउंटर के बाहर फेंकना है। और मैं आपको बता रहा हूँ, यही सिद्धांत यही बिलीफ सिस्टम मैं पिछले 8 सालों से लगातार लेकर इस इंडस्ट्री में चल रहा हूँ। सर मैं आपको ज्यादा नहीं बोलता, मुझे इससे कितना समझ में आता है, मुझे एक एग्जांपल तो ऐसा दो जिसने कोविड के अंदर भी आपके घर पे पैसा भेजा हो। मोदी क्या? ओनली मोदी क्या? यस ओनली मोदी क्या? इससे बड़ी गलती आपको आज तीसरी चौथी जनरेशन मोदी केयर से पैसा कमा रही है। हिंदुस्तान में एक कंपनी लाके बता देना मेरे को जिसकी तीसरी जनरेशन किसी कंपनी से पैसा कमा रही है और उस कंपनी का नाम है मोदी केयर ओनली। मैंने बिलीफ रखा, मैंने भरोसा रखा, मैंने उतार चढ़ाव झेले। एक माँ को पता होता है कि उसको एक बच्चे को जन्म देते समय, इस दुनिया में कोई भी ऐसी माँ है जिसने प्रसव पीड़ा के बिना किसी बच्चे को जन्म दिया हो? अगर माँ बनना है तो प्रसव पीड़ा को भोगना अनिवार्य है, मतलब प्रसव पीड़ा होनी है बराबर है। कोई माँ ये नहीं कहती कि नहीं प्रसव पीड़ा होगी मेरे को माँ नहीं बनना करेंगे, बराबर है, पर जैसे ही वो बच्चा जन्म लेता है वो माँ अपने 9 महीने की तकलीफ भूल जाती है। उसी तरीके से जिस दिन आपकी कोख से, संघर्ष की कोख से सफलता का जन्म होगा ना, उस दिन आप अपने सारी दुख तकलीफें भूल जाएंगे। एक ही सिद्धांत रखा है मैंने अपनी पूरी जिंदगी में और मैं चाहता हूँ ये सिद्धांत आप लेकर जाएं। और वो सिद्धांत है कि जिंदगी तो अपने दम पर जी जाती है गालिब, जिंदगी तो अपने दम पर जी जाती है गालिब, दूसरों के कंधों पर तो सिर्फ जनाजे उठते हैं। दूसरों के कंधों पर सिर्फ जनाजे उठते हैं। मुझे बताइए सर, पैसा किसको चाहिए? मुझे एक आदमी आ मेरे पास, ये क्या है, थोड़ा बार बार में मैंने कहा वो इसलिए है क्योंकि वो चाहते हैं कि जितना मैं दे रहा हूँ उतना में मजा नहीं आ रहा और ज्यादा देना है। वो भूल वही करता है बराबर है जो आपके लिए बेहतर करने की कोशिश करता हो, आया ना तो प्राउड है मुझे इस बात पे। और आज मुझे 8 सालों के अंदर आप सोचिए, 167 का चेक लिया, 6.5 लाख तक पहुंचा, 3.25 करोड़ रुपए कमाया, 4 गाड़ी बदली, 10 विदेश यात्राएं करी, ये सब मोदी कैसे। और आज मैं आपको एक बात बताता हूँ, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि मैं यहाँ खड़ा हूँ, मैं बोल रहा हूँ 27 साल, एक मेरा बच्चा आएगा वो कहेगा 100 साल, उसका बच्चा आएगा 1000 साल, और आपको गारंटी देता हूँ ये होने की और करने की ताकत सिर्फ मोदी कैर में है।
ये हमेशा कहने की आदत पूरी करनी है और ये आपको मोटिवेशन आके नहीं बोलता, मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर आप मोटिवेट होना है तो दुनिया की सबसे गलत जगह बैठे बैठे हैं आप। आपने 3 दिन पहले रात को क्या सब्जी खाई थी वो आपको याद नहीं होगा, विजय अग्रवाल क्या बोल रहा है ये आपको कभी याद नहीं होगा, पर विजय अग्रवाल का मकसद है कि वो जो सोच उसको 167 में आई थी वो आज आपको आनी चाहिए। अगर वो सोच बदली, क्योंकि हमारा मूल मंत्र क्या है, सोच बदलो, खुद को बदलो, दुनिया बदलो, तो जब हम सोच बदलने में कामयाब हो जाएंगे तो खुद को बदलना आसान होगा, और जिस दिन खुद को बदल लिया हमारे आसपास की पूरी दुनिया बदल जाएगी, और वो दुनिया को बदलने का मौका भी मोदी के पास रखती है। कोई नहीं है मोदी के पास। आज मैं आपको बताता हूँ, आज आपको एक बात बताता हूँ, मुझे मोदी केयर करते हुए 8 साल हुए, 8 सालों के अंदर बराबर अभी थोड़े दिन पहले मैं एक लीडर से मिलने गया था महाराष्ट्र में, तो वो लीडर 7 करोड़ से ज्यादा कमाया हुआ था किसी एक्स कंपनी में। जब मैंने उनको जाके बताया बातचीत की तो उन्होंने मुझसे कहा कि आपको पता है नहीं इनकम क्या होगी, मैं कहा नहीं सर, बोले 14 लाख रुपये महीने, मैं हूँ 5-6 लाख का आदमी, मेरे सामने बेटा है 14 लाख का आदमी, बराबर है। मैंने कहा सर आपको पता है मैं कहाँ से आया, बोले नहीं, मैं कहूँ ठीक है। उन्होंने अपनी प्रोडक्ट बताई, मैं कहा सर अब मैं आपको मेरी प्रोडक्ट बताऊँ, मैंने उनके सामने 5 लोगों की है और वो खड़े होकर क्या बोलते पता है आपको, कि इसके जैसी प्रोडक्ट हमारी कंपनी में आ जाए ना तो हमारी कंपनी भी इतने आगे हो जाए। हम टूथपेस्ट नहीं बेचते साहब, हम टूथपेस्ट नहीं बेचते, हम सोप बेचने का काम नहीं करते, हम होप बेचने का काम करते हैं। सोप बेचने का नहीं, सोप तो आपको दुनिया की किसी भी दुकान पर मिल जाएगा, होप जो है ना वो सिर्फ मोदी केयर आपको देती है, सिर्फ मोदी केयर आपको देती है। मेरे पास टूथपेस्ट है, फ्रेश वुमेन टूथपेस्ट, टूथपेस्ट है मेरे पास, और टूथपेस्ट का पता है टूथपेस्ट का काम क्या सर, दांत साफ करना है ना, राइट। मेरे पास जो टूथपेस्ट है उस टूथपेस्ट को जिस दिन से हमने करना शुरू किया हमारे घर में, हमारे पूरे खानदान के चेहरे पर स्माइल आ गई, इतना गजब का टूथपेस्ट है। जिस दिन से हमने व्हाइट पल्स से नहाना शुरू किया है, मेरा छोड़ो मेरे पूरे खानदान का फ्यूचर ब्राइट हो गया, इतना गजब का साबुन है व्हाइट पल्स। बराबर, जिस दिन से हमने हमारे घर में स्टेरिलिटी का पोता मारना शुरू किया है, हमारे गरीबी और दरिद्रता के सारे कीटाणु मार दिए इस स्टेरिलिटी ने, बट जिस दिन से हमने डीओ लगाना शुरू किया है जिंदगी में खुशबू ही खुशबू हो गई है। हम मुझे बताइए सर, इतने बेहतरीन प्रोडक्ट के साथ, इतने अच्छे विजन के साथ और एक माँ जैसे स्वभाव के आदमी के साथ आपको सफल होने से दुनिया की कौन सी ताकत रोक सकती है, दुनिया की कौन सी ताकत रोक सकती है। मुझे सिर्फ इतना समझ में आता है, इस दुनिया में 2 प्रकार के लोग होते हैं, एक अर्जुन दूसरा हनुमान, दोनों के दोनों ही भगवान के परम भक्त थे, दोनों ही भगवान के साथ थे, राइट। एक अर्जुन जब श्री कृष्ण जब हार गए और अर्जुन ने पूछा कि हे भगवान, जैसे श्री कृष्ण ने बोला कि हे अर्जुन अब उठाओ बाण चलाओ भी, ये युद्ध एकमात्र हथियार है, बराबर। अर्जुन ने बोला क्यों, चाचा लगते हैं मेरे, मामा लगते हैं, क्यों मारू फलाना ढिकाना, राइट। उसको हर बार कहा गया, उसने हर बार क्वेश्चन किया, उसे हर बार कहा गया, उसे हर बार क्वेश्चन किया गया, बराबर है। और एक हनुमान जी थे जो श्रीराम के भक्त थे, राइट। हनुमान जी को कहा गया कि जाओ सीता माता का अंगूठी देके आओ, हनुमान जी ने नहीं कहा कि रावण देखा है क्या, गारंटी देते हो आप, ऐसा नहीं बोला, उन्होंने बोला जय श्री राम जाके आता हूँ मैं, बराबर। उनको बोला लक्ष्मण मूर्छित पड़े जाओ लियाओ जड़ी बूटी, तो बोले क्या मैं आप वैद्य हूं, मैं मुझे कैसे पता चलेगा, गए पूरा पहाड़ उठा लाए, बराबर है। कहते हैं कि व्हेनेवर यू आर सरेंडर टू योर अपलाइन टूवर्ड्स योर अपलाइन यू आर ऑलवेज सक्सेस, बराबर। आज अर्जुन का एक भी मंदिर नहीं है, पर अर्जुन का एक भी मंदिर नहीं है, पर हनुमान जी के हजारों लाखों मंदिर है, मतलब इस दुनिया में बुद्धिमान लोगों का मंदिर नहीं बनता, संपर्क जो व्यक्ति अपने काम के प्रति समर्पित होता है उसका मंदिर बनता है, बराबर है। और मैं समर्पित हूँ मोदी के लिए, क्या आप समर्पित है, क्या आप समर्पित है। मैं आपको बताता हूँ एक और चीज, जब इस काम को करने हम निकलते हैं, जब मैं इस काम को करने निकला, डेमो करने निकला, राइट, तो हम लोगों को एक्सपेक्टेशन होती है कि शुरुआत में रिजल्ट मिले, राइट। इधर उधर भटके, इधर उधर गए, हर रोज नए आदमी मिलते हैं, हर रोज नए लोग मिलते हैं, पर एक जब मैंने इस कंपनी के सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर पे ध्यान दिया, राइट, मैं फिर रिपीट करता हूँ उस बात को कि विजन, ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर पे ध्यान दिया, तब मुझे पता चला कि जो